हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे फ्रेंड्स फिर से मैं आ चुका हूँ ऑन रेंटल पे और बार बार आने का मकसद ये ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ जो ओस्मान भाई यहाँ पे है उनसे कुछ ऐसा सेटिंग हो रखा है कि हाँ यार ऑन रेंटल का बाइक बार बार दिखा रहे हो ओनली रीज़न है कि जो ओवरऑल जो रिस्पांस आया वीडियो पर वो बहुत अच्छा है और लोगों को मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली एक हेल्प ज़रूर मिली है लोगों को जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको रेंट पे बाइक या स्कूटी चाहिए तो उसके लिए एक प्रॉपर हेल्प ज़रूर मेरी वीडियो से ज़रूर लोगों को मिली है और इसी जो ये पॉजिटिव रिस्पांस हुआ उसके कारण मैं जो है जब कभी भी इसमें कुछ भी अपग्रेड होता है या ऐसा कुछ भी ऐसी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है ऑन रेंटल पे तो मैं ज़रूर आता हूँ और कवर करने के लिए तो फ़िलहाल जो न्यू क्या अपडेट है और क्या चीज़ें हैं उस बारे में बात करने के लिए तो जो ऑन रेंटल है इन्होंने अभी अपना जो है एक पूरा का पूरा जो है इन्हेंस किया है स्कूटी में आ, इन्होंने अब आ, एक्टिवा सिक्स जी जो है काफ़ी सारे जो हैं इंट्रोड्यूस किए हैं अपने आ, जो आप बेड़ा बोल लो उसमें और इसके अंदर में काफ़ी सारी स्कूटीज जो हैं अभी यहाँ पे लाइन अप हो रखी है अभी जो न्यूली एडेड हैं उसमें 20 स्कूटीज़ इन्होंने ऐड किया है और आप देख सकते हो नज़दीक से आपको दिखा दूँ सब की सब एक्टिवा है सिक्स है और ये ऑन रेंटल जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो दूसरे शब्दों में बोलूँ तो एक जो उनका फ्लीट है जो स्कूटी का जो फ्लीट है और जो रेंट पे देने के लिए तो उसमें काफ़ी इन्होंने ऐड कर दिया है और अभी इनके पास में जो टोटल ऐड अप होके आ गए हैं अगेन मैं आपको बता दूँ वो बीस है ट्वेंटी सिक्स जी स्कूटी होंडा एक्टिवा के आ चुके हैं आप सामने लाइनअप हुआ हुआ देख सकते हो तो जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं और उनको अगर स्कूटी अब तो देखो अब सबसे बड़ी बात की जो न्यू है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको रेंट पे लेने के लिए और किसी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है तो भरोसा आपका ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं ये जो है ये चीज़ सर्विस जो बोली जाए तो इनहेंस हो जाती है इस चीज़ में तो आप भरोसा और ज़्यादा कर सकते हो इसमें और भी क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है उस बारे में हम बात करेंगे ज़रूर और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको हैदराबाद में आने के बाद एटलीस्ट कम से कम जो रेंटल सर्विसेज हैं बाइक या स्कूटी की उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो एक चीज़ और बता दो तो मेरे से क्वेश्चन से यार काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आप जो ये स्कूटीज मिलती हैं तो वहाँ पर क्या के की बाइक्स भी मिलती हैं तो मैंने यहाँ देखा है के की बाइक्स भी आपको मिल जाती है तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है इसी साथ मैं आपको कुछ एडिड चीज़ें और बता देता हूँ कि जो लोग भी बाहर से आते हैं स्पेशली उनको एक प्रॉब्लम होगी हेलमेट की तो उसके लिए है कि मतलब अवेलेबल रहता है तो आपको मिल जाता है और वैसे भी आ, मेरी बात उस्मान भाई से हुई है तो उन्होंने बोला कि यार कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि जो लोग भी बाहर से आते हैं आउट ऑफ हैदराबाद हैं उनके लिए हम हेलमेट ज़रूर अवेलेबल कराएं और बहुत नीड है तो यार लोकल जो लोग हैं उनके लिए भी हेलमेट जो है अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगी तो और पिलियन के लिए मोस्टली क्वेश्चन uh, ये भी था तो यार पिलियन के लिए फिलहाल हैदराबाद में जो फीमेल राइडर होने के लिए तो अभी ऐसा कोई इशू नहीं है हालांकि आपकी सेफ़्टी है आपको हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए बट ऐसा कोई चलान इसका कोई सीन फिलहाल तो नहीं है यहाँ पे ये ज़रूर है तो आप अभी फ्लीट देख लो ये टोटल का टोटल और आप अपना डिसीजन इस पर बना सकते हो जब कभी भी आते हो तो आप यहाँ पे आके ये स्कूटीज ले सकते हो बुकिंग का तरीका वही है यानी ऐप ऑन जो बाइक रेंटल है वो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक और स्टेटस बता दूंगा जब कभी भी आप आते हो यहाँ पे रेंटल में तो आपको फ़हीम भाई मिल जाते हैं तो फहीम भाई से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है रिस्पांस मतलब देसी क्रूज़ के थ्रू लोग आ रहे हैं तो क्या मतलब कैसा चल रहा है उनका कुछ फीडबैक लेते हैं कैसा अच्छा चल रहा है जी अलहमदिल्ला अच्छा चल रहा है जी और जैसे क्रूज से आते हैं तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं छोटा पानी का बोतल, हेलमेट रहा तो प्रोवाइड कर देते हैं रेंट पे तो यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलेगा हेलमेट और प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग मंगाने के लिए न्यू मंगाए और ट्वेंटी और फोर्टी मंगा रहे हैं इन वो भी आ गए तो प्रोवाइड करेंगे हेलमेट ओके थैंक यू ठीक है फ़हिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया और फहीम भाई जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जब कभी भी जो लोग भी आ रहे हैं देसी क्रूज के थ्रू और आपको फुल हेल्प आउट करेंगे आ, रेंट और फ्रेंड्स ऑन बाइक रेंटल में जो दो वीडियोस पहले भी डाली हैं तो उस्मान भाई आपको मिले होंगे और ये अब फेज जो है काफ़ी जाना पहचाना हो गया होगा एटलीस्ट ऑन बाइक रेंटल के उसमें और आज हम इनसे बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे ऑन बाइक के जो मैनेजर हैं उनसे और तानिश भाई से बात करेंगे क्योंकि वो जब मेरी बात उस्मान भाई से हुई तो उन्होंने बोला कि यार हम काफ़ी चीज़ें चेंजेस कर रहे हैं और कस्टमर हमारा ऑन प्रायोरिटी है और उस बेस पे जो हम काफ़ी जगह हमने सेटअप भी किया है ओपन भी कर रहे हैं तो उस केस में उस सिनेरियो में आप जो है सो दानिश भाई से बात करो और ये यहाँ पे ऑन बाइक ये जो है अभी पूरा जितना भी यहाँ पे रेंटल है यही देख रहे हैं पूरा टेक केयर यही कर रहे हैं ये ऑन बाइक के अभी जो है मैनेजर हैं और यही रहे जो आप यहाँ सर्विसेज देख रहे हैं जो भी होगा तो आप इनसे भी आकर के इंटरेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और जो लोग भी देसी क्रूज़ चैनल के थ्रू आते हैं बाहर से आउट ऑफ मतलब हैदराबाद कहीं से आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट करके वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे इतना मेरा मतलब मेरी अशॉर्टी है ये और ज़रूर आपको हेल्प करेंगे तो चलिए बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कि क्या फ्यूचर इनके प्लान्स हैं आ, इस चीज़ को लेके क्योंकि यार ऑन रेंटल के अलावा भी रेंट पर काफ़ी जगह बाइक्स और स्कूटीज़ मिल जाती हैं तो कितना अलग होगा ऑन रेंटल क्योंकि इन्होंने अपने फ्लीट में जोड़ा है न्यूली अभी एक्टिवा सिक्स जी तो चलिए बात करते हैं जी अलहमदिल्ला हम लोग तो बहुत बेहतर कर रहे हैं हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था जब हम लोग के पास पाँच बाइक्स थे विद इन एन ईयर हम लोग अब अलहमदिल्ला वन बाइक्स रन कर रहे हैं हैदराबाद में और अब हम लोग के स्टार्टिंग में एक ही स्टेशन था अभी चार स्टेशन है रिसेंटली हम लोग ने दिलशुख नगर पर एक और एक स्टेशन ओपन किया है वहाँ पर भी फ्लीट में हम लोग थर्टी बाइक्स रखे हैं और यहाँ पर माधापुर पर अब हम लोग और ट्वेंटी एक्टिवा सिक्स जीज ऐड करने वाले हैं इन उसका प्रोसेस चल रहा है विद इन अ वीक गाड़ी जो भी एक्टिवा सिक्स जीज है वो लाइफ हो जाएंगी तो ओके तो आपने जो है दिलशुख नगर में अभी ओपन कर दिया तो वहाँ पर जो बाइकों का कलेक्शन है क्या है एक्टिवा है या और भी कुछ है वहाँ पे जो है एक्टिवाज है एवेंजर्स है हॉर्नेट है और और बाइक्स है वहाँ पे दिलचुख नगर पे और अब हम लोग थोड़े टाइम में एक्टिवा सगजीज एक भी ऐड करने वाले हैं वहाँ पे इन और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्लान है अमीर पेट अमीरपेट का लोकेशन ओपन करने वाला है वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर होगा तो वहाँ पर अच्छा बिजनेस होगा और हम लोग की मेन प्रायोरिटी यह है कि कस्टमर को अच्छी गाड़ी दे अच्छी सर्विस दे हम लोग ऑलमोस्ट एटीन टू ट्वेंटी आवर्स काम करते हैं कभी रात में भी अगर ब्रेकडाउन होता है कुछ व्हीकल का इशू होता है तो हमारी मैकेनिकल टीम तुरंत पहुँच जाती है वहाँ पर और कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी अच्छे हैं अभी तक अलहमदिल्ला इंशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहेंगे कस्टमर्स को खुश करने के लिए तो ये हो गया कि अभी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने बताया उसमें अभी दो लोकेशन पे तो ऑन है यानी कि एक माधापुर में और दिलशुख नगर में और बाकी आमिर पेट में भी, भी आ जाएगा तो कोशिश है कि जहां जहाँ रीजन ये कि आप किसी भी कोने से अगर आते हैं तो आपको हर जगह अवेलेबिलिटी मिले और आराम से मिल जाए आई थिंक यही मोटो है आपका राइट हमारे जितने भी लोकेशन है ऑलमोस्ट पूरे मेट्रो स्टेशन के आसपास में है क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कस्टमर बाइक रेंट किस लिए करता है क्योंकि उसके पास बाइक होती नहीं है या कुछ और रीज़न्स होते हैं तो हम लोग ऐसे लोकेशन देखते हैं जहाँ पे कस्टमर को इजी हो आने के लिए मेट्रो स्टेशन के पास या उसको बस इजी हो जाए बस आने के लिए और और एक चीज़ है हमारे पास आ, कुछ जो कस्टमर्स के लिए पॉसिबल नहीं है पिकअप करने के लिए हमारे एक दो एग्जीक्यूटिवस हैं वो जाके कभी एमरजेंसी केसेस में गाड़ी जाके डिलीवर भी करते हैं और घर से पिकअप भी करते हैं एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप जो है कस्टमर्स अगर डिमांड करते हैं तो उनके पास में बाइक जो है आप डिलीवर भी करा देते हैं स्कूटी जो भी है यार फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप इसको टेकन गारंटिड मत लेना हमेशा कि आप यहाँ डिलीवर करा दो क्योंकि ये इनकी सर्विसेज में नहीं है बस ये थोड़ा सा ऐट पार जाके कोशिश करते हैं कि किस कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस कारण से ये करा देते हैं अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन है कि ये आ, इसके टाइमिंग आप थोड़ा थोड़ा इसकी टाइमिंग थोड़ा और क्लियर कर दो आप कि ये मॉर्निंग में कब से लेके कब तक जो है कस्टमर जो है यहाँ पे स्कूटी uh, या बाइक जो भी है पिकअप कर सकता है और बुकिंग में तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ट्वेंटी फोर आवर सेवन होगा कभी भी बुकिंग करने के लिए राइट बुकिंग टाइमिंग तो ट्वेंटी फोर आवर्स में आप कभी भी बुक कर सकते हैं लेकिन जो स्टेशन के टाइमिंग्स है वो सुबह नौ बज, नौ बजे से लेकर शाम के सात बजे तक ही है स्पेशली माधापुर में जो है माधापुर जो है हमारा हेड ऑफिस है यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं एट थर्टी एट तक कस्टमर्स कोई एमरजेंसी में होता है या लेट होता है तो उनके लिए वेट कर लेते हैं कभी कभी ये रेगुलर नहीं है लेकिन एक्चुअल टाइमिंग जो है मॉर्निंग नाइन ए एम टू सेवन पी एम है ओके थैंक यू काफ़ी चीज़ें आपने बता दी इसमें और uh, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि क्योंकि मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे और मेरे आने का मकसद एक ही है कि जो भी सब्सक्राइबर देसी क्रूज़ पर इस वीडियो को देख के आते हैं तो उनके लिए उनको फील गुड तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए तो उसके लिए उस्मान भाई ने पिछली बार तो मतलब किया ही था कि हाँ जो भी आएगा उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री uh, आप पानी की एक बॉटल ज़रूर देंगे जिससे कि थोड़ा एक फील गुड फैक्टर हो तो वो चीज़ें चल रही है और कुछ अगर आप जैसे अभी आपने पूरा टेक चार्ज पूरा ले लिया है दानिश भाई तो आप बताओ कुछ थोड़ा सा इसके बारे में जो हमारे पास देसी क्रूज के कस्टमर्स आ रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने हम लोगों ने ऑलरेडी उन लोग के लिए पानी की बॉटल्स का अरेंजमेंट किया है इन फर्दर अब अगर यहाँ से देसी ग्रूज की तरफ से हमारे पास कस्टमर्स आएंगे तो हम लोग उनको कॉफ़ी कॉफ़ी का अरेंजमेंट करेंगे और भी चीज़ें हैं जो दूसरे कस्टमर्स के लिए हम लोग करने वाले हैं इन कमिंग डेज जैसे कि यहाँ पे कस्टमर को घर के जैसा फील देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन वो जल्दी हो जाएगा ठीक है दानिश भाई थैंक यू सो मच आपने काफ़ी चीज़ें बताई मतलब देसी क्रूज के सब्सक्राइबर्स के लिए भी और क्या आप आपके साथ में एक न्यू फेस भी देख रहा हूँ मैं उस्मान भाई के बाद तो ये क्या ये भी इसी ऑपरेशंस में है या क्या है ज़रा बताएंगे आप तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है अलहमिल्ला इनों इनो ज्वाइन होकर दो महीने हो गए उन्होंने अच्छा कस्टमर संभाला है लास्ट टू मंथ से अलहमदिल्ला अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं अच्छा कस्टमर हैंडल करते हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं यह है मिस्टर शुएब अलहमदिल्ला मेरे को तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और जो भी यूट्यूब पर देसी क्रूप के सब्सक्राइबर्स जो भी देख कर आएंगे तो पहला फेस आप मुझे ही पाएंगे इधर अलहमदिल्ला मैं आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दूँगा और बहुत फ्रेंडली बिहेवियर करूँगा आपको जो भी व्हीकल रहेंगे जो भी आप गाड़ी बुक करके आएंगे जैसा कि आप एवेंजर है एक्टिवा है जो भी व्हीकल आप बुक करके आएंगे मैं आपको अच्छे से अच्छा चेक करा कर और सब चीज़ बता कर दूंगा आप उसकी टेंशन मत लीजिए आप उसकी टेंशन सर्विस की टेंशन मत लीजिए आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिलेगा यहाँ पर फिर आप यहाँ पर ही चाहेंगे और ऑन ऑनबाइक फिर से याद करेंगे आप जब कस्टमर की गाड़ी की बुकिंग हो जाएगी ऑनलाइन वो जब आएगा स्टेशन पे आपको मिस्टर शेब मिलेंगे और ये मेक श्योर sure करेंगे कि आप टेस्ट ड्राइव लें गाड़ी चेक करें ले जाने से पहले गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है या इशू है आप तभी गाड़ी ले जाएं जब आप गाड़ी से सैटिस्फाई हो हमारे पास यहाँ पर ट्वेंटी पूरे वर्किंग आवर्स में मैकेनिकल टीम मौजूद होती है हम जब जब भी तुरंत वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे इन आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी देने की हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम लोग ये मेक श्योर sure करेंगे कि हम कस्टमर्स को पूरे जो अच्छी क्वालिटी के गाड़ियाँ दें वो सैटिस्फाई हों और वो आइंदा जब भी बाइक रेंटल का सोचे तो हमारे पास ही ऑन बाइक्स हैं और मैं दिल से अपने देसी क्रूज का धन्यवाद करता हूँ शुक्रिया भाई फ्रेंड्स बात तो मैंने आपको जो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड लोग हैं उनसे बात भी करा दी आपकी तो आई थिंक हंड्रेड परसेंट चीज़ें ऑथेंटिक रहेंगी और आपको ये सामने फ्लीट आप देख सकते हो तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ से कोई भी स्कूटी या बाइक लेने में तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद नहीं तो लाइक जरूर करें कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें तब तक अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जय हिंद